तो हेलो एंड वेलकम अगेन दोस्तों। अक्षय बाजी के लिए ये साल वाकई में डिजास्टर है और यही साल नहीं पिछले आने वाली 7-8 फिल्में लगातार पिटी हैं। कुछ एवरेज कमाई करके गई तो कुछ लागत तक ना निकाल पाई। अक्षय बाजी को कंटेंट किंग बोला जाता है लेकिन फिर भी जनता होप में बैठी है कि चलो कुछ बढ़िया ही निकलेगा। और फिर आती है OMG 2, इसका फर्स्ट टीजर और लोगों में मस्ती है खलबली क्योंकि टीजर लोगों को बहुत पसंद आया, टीजर को बहुत प्यार मिला, लोग इसके ट्रेलर का वेट करने लगे। लेकिन उससे पहले ही सेंसर बोर्ड ने मारी दस्तक और सबके अरमानों पर फेरा पानी, खासकर अक्षयबाजी और मेकर्स पर। लगभग 27 सीन्स कट करवाए और उसके बाद मूवी को दी ए सर्टिफिकेशन की रेटिंग। लेकिन जब ट्रेलर आया लोगों ने फिर ट्रेलर को बहुत भर भर कर प्यार दिया, किसी को भी कोई कमी नहीं देखने को मिली ट्रेलर में। उल्टा अभी तक जो सोच रहे थे कि अक्षय पाजी शिवजी का रोल प्ले करेंगे लेकिन ऐसा नहीं है क्योंकि ट्रेलर के स्टार्टिंग में ब्रह्मांड जगत विधाता भोलेनाथ जी खुद कहते हैं कि नंदी हमारे गन में से किसी ऐसे दूत को भेजो जो मेरे भक्त को सहारा दे सके। तो यस, अक्षय पाजी आज भोला का दूत बनकर रिप्रेजेंट करे गए हैं। तो मेकर्स ने सेंसर बोर्ड के कहने पर काफी चेंजेस भी कर दिए थे। उल्टा ट्रेलर से साफ पता लग रहा है कि एजुकेशनल सिस्टम पर बात हो रही है, तो ये टॉपिक तो कहीं से कहीं तक मुझे गलत नहीं लगता। तो इतना सब कुछ चल ही रहा था कि अचानक एक बॉम्ब फिर फटता है और मूवी का फर्स्ट रिव्यू निकलता है। तो रिव्यू कैसा है वो आगे वीडियो में आपको पता लग जाएगा। बाकी ये रिव्यू वैलिड है या नहीं, क्या मूवी की ग्रोथ में इससे कुछ फर्क पड़ेगा या नहीं, सब जानेंगे बस कुछ ही देर में। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना अगर आप भी अक्षय पाजी और पंकज त्रिपाठी का डाई हार्ट फैन है और OMG 2 का लंबे समय से इंतजार कर रहे थे तब। लेकिन उससे पहले वीडियो को एक लाइक और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए शुरू करते हैं। जी हां दोस्तों, मूवी का पहला रिव्यू आउट हो गया है, वो भी सेंसर बोर्ड के वन ऑफ द हाईएस्ट मेंबर उमेर संधू की तरफ से। देखो, जब पठान आई थी तब इस बंदे ने रिव्यू आउट किया था रिलीज डेट से पहले और बोला मूवी मस्त है। और यस, उनके बाद का रिजल्ट हम सब जानते हैं कि पठान कैसी ब्लॉकबस्टर गई थी। उसके बाद जब आदिपुरुष आई बहुत नेगेटिव रिव्यू दिए, बोला बहुत बेकार मूवी है। फिर हम सब जानते हैं यह मूवी बेकार ही थी। लेकिन अब OMG 2 का रिव्यू आउट हुआ और भाई मैं शॉक्ड हूं क्योंकि ऐसा कैसे हो सकता है, बोला मूवी डिजास्टर है। बहुत कुछ बोला अक्षय कुमार, बैकपैक कर लो, टाइम हैज टू कम, गो कनाडा वगैरह वगैरह, है ना। तो ये है उनका ट्वीट अगर मैं पढ़ूं तो, कि दिस मूवी विल बी रिमेंबर्ड एज गुड बाय करियर ऑफ हैशटैग अक्षय कुमार, ही शुड पैक हिज बैग्स एंड मूव टू हैशटैग कनाडा, टाइम हैज टू कम, व्हाट अ डिजास्टर फ्लिक, बोरिंग कोर्ट रूम ड्रामा विथ वर्स्ट परफॉर्मेंस, वर्स्ट डायरेक्शन एंड बी ग्रेड प्रोडक्शन डिजाइन। तो इतना सब कुछ जो कि ट्रेलर देखकर ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा है कि मूवी इतनी बेकार भी होने वाली है। आई डोंट नो व्हाट्स गोइंग बिटवीन देम, लेकिन यहाँ दो बातें निकलती हैं कि कोई तो झूठ बोल रहा है, या तो मेकर्स क्योंकि उन्होंने ट्रेलर दिखाया ही नहीं है अभी तक ढंग से, क्योंकि ये तक नहीं पता चल रहा है कि कोर्टून ड्रामा का मेन रूट कॉज आखिर है क्या, या तो ये बंदा झूठ बोल रहा है क्योंकि ट्रेलर तो बहुत बढ़िया था, उल्टा सनातन धर्म की बढ़ाई ही दिखाई जा रही है। लेकिन मैं फिलहाल तो इस रिव्यू को नहीं मानूंगा। मैं जब तक खुद इस मूवी को ना देख लूंगा मूवी कैसी है, मैं नहीं मानता कि यह डिजास्टर है। तो मेरी तरफ से मैं इस रिव्यू को डिनाई दूंगा और खुद एक्सपीरियंस करूंगा, फिर एक ऑनेस्ट रिव्यू दूंगा। बाकी आप लोगों का क्या कहना है, क्या अक्षय पाजी को एक मौका देके पहले मूवी देखने जाना चाहिए फिर कुछ बोला जाए या कमेंट्स करा जाए, नीचे फटाफट कमेंट बॉक्स पर अपनी राय जरूर देके जाना। बाकी मूवी रिव्यू और बॉक्स ऑफिस से जुड़ी सभी अपडेट्स के लिए और बॉलीवुड हॉलीवुड और साउथ फिल्मों की अपडेट्स के लिए हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहना। और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, दूसरा अंगूठे वाला बटन दबा के वीडियो को लाइक जरूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।